नमस्कार साथियों, अभी की सबसे बेहद चौंका देने वाली सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि अभी अभी इतना बेहद बुरा और दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें साथियों पूरी की पूरी ट्रेन चलकर राख हो चुकी है। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि 800 यात्रियों से भरी ट्रेन बुरी तरह से धू धू कर जली है। जी हाँ, खबर निकल कर आ रही है बिहार के पूर्वी चंपारण में ट्रेन में भीषण आग लगी की घटना हुई है। रक्सौल के बात करें नरकटियागंज के बीच चलने वाली यात्री ट्रेन की संख्या 05541 के इंजन में आग लगी है। रविवार सुबह बहलाई स्टेशन के पास पुल संख्या 39 के नज़दीक अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रेन पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बुरी तरह से अफरा तफरी इस तरह मच गई, लोगों में भगदड़। आग इतनी तेज थी कि लपटे और धुआं काफ़ी ऊंचाई तक जा रहे थे। हालात बहुत भावे हो गए थे लेकिन कंट्रोल कर लिया गया। ड्राइवर ने सूझबूझ कर परिचय देते हुए आग को बढ़ने से रोका। बहलाई स्टेशन पर ट्रेन पहुँचने पर गाड़ी को रोक दिया गया। आनन फानन में ट्रेन से इंजन काट कर अलग कर दिया गया और आग बुझाने का काम किया जा रहा है। दमकल की गाड़ी को घटनास्थल पर आग बुझाने भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में कभी 1000 से भी ज़्यादा यात्रियां सवार थे, वरना ये बड़ा हादसा हो सकता था। अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। घटना में किसी की हताहत की सूचना नहीं है। जानकारी मिली है कि ट्रेन रुकने के बाद सभी यात्री ट्रेन से बाहर निकल गए। ये ट्रेन सुबह 5 बजे से लेकर 10 मिनट तक रक्सौली के नरकटियागंज के लिए ट्रेन खुली थी। आग बुझाने का काम अभी जारी है। रेलवे RPF और GRP के अधिकारी और सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं।